अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ वकार बेग एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे द लेक्चर इज़ अबाउट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आज का हमारा जो लेक्चर है वो दरअसल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में है। एफएससी के ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अक्सर औकात मसला होता है और स्टूडेंट अक्सर औकात इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इसमें आपके वो पॉइंट्स जिसमें आप अपने ईटा के क्वेश्चंस और अपने बोर्ड के क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकें उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चलूँ कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है क्या, यानी किसी चीज़ को समझने के लिए, उसकी बेसिक्स को जानने के लिए सबसे पहले उसकी डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं कि दिस इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यू कैन डिफाइन एज द ब्रांच of chemistry in which we study the physical and chemical process. The branch of chemistry in which we study the physical and chemical process for the conversion of natural raw material into useful product for the benefit ऑफ ह्यूमैनिटी। देखें जी, सारा किस्सा यही भी है कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें फिजिकल प्रोसेस भी हो सकता है और केमिकल प्रोसेस भी हो सकता है। फॉर द कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रॉ मटीरियल, यानी कुदरत में जो रॉ मटीरियल मौजूद है उनको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में जिस मेथड्स को स्टडी करते हैं, उनके प्रोसेस को स्टडी करते हैं, उस प्रोसेस को जनरली क्या कहा जाता है, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टूडेंट वाजे रहे कि हम फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस डिस्कस करेंगे फॉर द कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मेथड्स को हम इसको इसमें स्टडी करेंगे। अच्छा, अब अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स इफ़ वी मूव ऑनवर्ड टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की कितनी टाइप्स जनरली हो सकती हैं, अगर आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की टाइप्स देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की टाइप्स, एक मिनट जरा मैं स्क्रीन को जरा एडजस्ट कर लूँ, थोड़ा सा इसमें मसला हो रहा है ताकि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ नज़र आए। अब हम चलते हैं ऑनवर्ड टू डिस्कस कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीज आर देयर। तो अगर आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की टाइप्स देखें तो स्टूडेंट्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स। इसमें हमारे पास एक अगर आप देखें तो दैट वन इज एक्चुअली कॉल्ड एज केमिकल इंडस्ट्री, हम उसे नाम देते हैं केमिकल इंडस्ट्री। दूसरी जो हमारे पास टाइप है उसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसी तरीके से तीसरी अगर आप देखें तो आपके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और इस तरह की बहुत और, यानी मैनी मोर। आपके पास यानी आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। उन तमाम इंडस्ट्रीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो वो किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में इंक्लूड होती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। लेकिन हमारे पास जो इस चैप्टर में हमारा जो कंसर्न होगा, हम जो बात करेंगे वो दरअसल डिस्कस करेंगे केमिकल इंडस्ट्री। यहाँ पे
आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द केमिकल इंडस्ट्री। अब केमिकल इंडस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज दिस केमिकल इंडस्ट्री। तो अगर आप केमिकल इंडस्ट्री की तरफ जाएं, इफ यू मूव ऑनवर्ड टुवर्ड्स द केमिकल इंडस्ट्रीज, तो स्टूडेंट्स अगर आप होशियार हैं तो आप इसके नाम से इसको पहचान सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में हम स्टडी करेंगे द प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स को बनाने के लिए जो प्रोसेस है, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल प्रोसेस हो, उसे जिस हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसे नाम दिया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट केमिकल इंडस्ट्रीज को अगर हम देखें तो केमिकल इंडस्ट्री फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई हो सकती है। द केमिकल इंडस्ट्री में फर्दर क्लासिफाई इंटू टू टाइप्स। एक हमारे पास जो नाम है, एक का नाम है दैट वन इज कॉल्ड एज केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड द इन अदर वन इज कॉल्ड एज केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी अगर आप देखें, एक केमिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एक केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। केमिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम प्रोसेसेस यानी मेथड्स को स्टडी करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे द एक्सट्रैक्शन और द प्रिपरेशन, द एक्सट्रैक्शन और द प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे एक्सट्रैक्ट या प्रिपेयर कर सकते हैं, उसे जिस केमिकल इंडस्ट्री की ब्रांच में डिस्कस किया जाएगा उसे हम नाम देते हैं केमिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी यकीनन केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो इसमें हम स्टडी करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड या एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे उसे नाम दिया जाएगा केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स राइट स्टूडेंट, तो एक केमिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और दूसरा केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम केमिकल इंडस्ट्री में इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ वी मूव ऑनवर्ड स्टूडेंट्स, अगर हम आगे चलें तो हमारे पास इस केमिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होंगी। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ये आपके लिए अब ज़रूरी है। यानी मुझे तो इस चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन चूंकि ये फेडरल बोर्ड में मौजूद हैं ये बातें, तो मैं चाहता हूँ कि आपके हर उस पॉइंट्स को डिस्कस करूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास एक पहली टर्मिनोलॉजी है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज कमोडिटी केमिकल्स। अब ये कमोडिटी केमिकल्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स, दोस केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, the chemical which are produced in large amount, so that chemicals are called as commodity chemicals. उन्हें नाम दिया जाता है commodity chemicals. वो chemicals जो ज़्यादा quantity में prepare किया जाए उनको हम commodity chemicals कहते हैं। यानी अब अगर आप देखें हमारी इर्द गिर्द जितनी भी industries हैं उसमें कुछ chemicals हर जगह पर इस्तेमाल होते हैं, कुछ chemicals का इस्तेमाल ज़्यादातर है, तो उन केमिकल्स को ज़्यादातर बनाया भी जाएगा, तो उन केमिकल्स को नाम देते हैं कमोडिटी केमिकल्स। अब इन कमोडिटी केमिकल्स को अगर हम देखें तो कमोडिटी केमिकल्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स कमोडिटी केमिकल्स आपके पास दो टाइप्स की हो सकते हैं। कमोडिटी केमिकल्स अगर मैं बात करूँ, कमोडिटी केमिकल्स हमारे पास दो टाइप्स हो सकते हैं। एक हमारे पास है, उसे नाम दिया जाता है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स,
वन इज कॉल्ड एस बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स. मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में BIC भी कह सकता हूँ. यानी अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि वट डज BIC स्टैंड फॉर, तो दैट वन इज कॉल्ड एस बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स. तो वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स कहा जाता है. एंड दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द कमोडिटी केमिकल्स. कौन कौन से केमिकल्स ऐसे हैं जो ज़्यादा मिकदार में, जो कि इनऑर्गेनिक हैं और ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल होते हैं? इनमें आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, इनमें आपके पास अमोनिया है, इसमें आपके पास नाइट्रोजन है, इसमें आपके पास ऑक्सीजन है, इसमें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें आपके पास फास्फोरिक एसिड है. ये तमाम हमारे पास कहलाए जाते हैं बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स. इसमें जो टॉप वन पे है, जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड. स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी चेक करनी हो कि एक मुल्क कितना कामयाब है और कितना कमज़ोर है, तो उस मुल्क की कामयाबी आप उसकी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन पे देख सकते हैं. अगर वो मुल्क ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, तो इसका मतलब वो मुल्क कामयाब है, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है. एनी हाउ, दे आर क्लासिफाइड एज अ बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स. इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूँ, बल्कि आपको बताऊँ, दूसरा जो कमोडिटी केमिकल्स हैं, दे आर बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स. बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स को अगर आप देखें तो BOC, दे आर कॉल्ड एज BOC, बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स. तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, आप कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाए, उसे बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स कहते हैं. और इनमें बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो याद रखें, इसमें एक आपके पास इथाइलीन है और दूसरा आपके पास जो है उसे नाम दिया जाता है प्रोपाइलीन. यानी अगर मैं इसका दूसरा नाम दूँ तो एक इथीन है और दूसरा आपके पास प्रोपीन है. तो यानी अगर क्वेश्चन आए कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन कौन से हैं, तो एक इथाइलीन यानी इथीन और दूसरा प्रोपाइलीन, बिकॉज दे आर यूज्ड इन मैनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज में हमारे पास इसको इस्तेमाल किया जाता है. एनी हाउ, ये हमने पहले डिस्कस किया, द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैड डिस्कस्ड, एंड दैट वन वॉज द कमोडिटी केमिकल्स. कमोडिटी केमिकल्स के बाद जो दूसरा हमारे पास टर्मिनोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है, दैट वन इज द स्पेशलिटी केमिकल. स्टूडेंट्स, B1 इज द स्पेशलिटी केमिकल्स. यानी आप कह सकते हैं कि दे आर द स्पेशल केमिकल्स. ये स्पेशल केमिकल्स हैं. स्पेशल केमिकल्स से मुराद आप कह सकते हैं कि दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट, बट दे आर हाई वैल्यू प्रोडक्ट. मतलब इसका जो खर्चा है, यानी आप इसकी कॉस्ट देख लें, तो वो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल अमाउंट में. अगर किसी स्पेसिफिक प्रोसेस में आपने इस्तेमाल करना हो, या स्पेसिफिक कोई प्रोसेस है उसमें इस्तेमाल करना हो, तो उनको हम नाम देते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्पेशलिटी केमिकल्स में आ सकती हैं, तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें हमारे पास डाइज आ जाते हैं, इसमें हमारे पास एंजाइम्स आ जाती हैं, और इसके अलावा कुछ मेडिसिन आप देख लें जो आप एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यानी दे आर इंक्लूड इन द स्पेशलिटी केमिकल्स. स्टूडेंट्स, यानी पहला हम कमोडिटी केमिकल और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, स्पेशलिटी केमिकल. स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम आगे चलें, इफ़ आई मूव ऑनवर्ड टुवर्ड्स द फोर्थ वन स्टूडेंट्स, तो फोर्थ वन हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट हैं उन्हें नाम दिया जाता है, यानी सॉरी जो टर्मिनोलॉजी है, दैट वन इज द फाइन केमिकल्स. द थर्ड वन इज द फाइन केमिकल्स. फाइन केमिकल्स से क्या मुराद है, तो फाइन केमिकल्स से मुराद ये है कि वो केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड एज प्यूरिफाइड
एंड रिफाइंड फॉर्म, दैट वन इज कॉल्ड एज फाइन केमिकल्स. मतलब क्या मतलब है इस चीज का? वो केमिकल्स जो प्योर प्रोड्यूस्ड हो, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, जिसमें कोई गंध ना हो, उस एलिमेंट को, उस केमिकल्स को नाम दिया जाता है फाइन केमिकल्स. यहां पे जो चीज मैटर करती है, द थिंग्स मैटर ओवर हेयर, द थिंग्स मैटर ओवर हेयर इज इट्स प्योरिटी. जितना वो प्योर होगा, जितना वो प्योर होगा, उतनी उसकी कीमत क्या होगी? ज्यादा होगी स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपको प्लैटिनम इस्तेमाल करना है, आपको प्लैटिनम चाहिए. जितना प्लैटिनम प्योर होगा, उसमें इम्प्योरिटीज कम होंगी, उतना वो आपके पास क्या होगा? महंगा होगा स्टूडेंट्स. एनी हाउ दे आर कॉल्ड एज फाइन केमिकल स्टूडेंट्स. तो तीन टर्मिनोलॉजी मैंने इस्तेमाल की है स्टूडेंट्स यहाँ पे, एक कमोडिटी केमिकल्स, दूसरा स्पेशलिटी केमिकल्स, और तीसरा आपके पास क्या है? फाइन केमिकल्स. मैं ज़रा दोबारा नाम देना चाहता हूँ, आप ज़रा रिपीट करें जी, कौन कौन से केमिकल्स का मैंने नाम बताए. एक को आपने क्या नाम दिया? कमोडिटी केमिकल्स. जी शाबाश बच्चों, वन इज द कमोडिटी केमिकल्स. दूसरा हमारे पास जो है, यू कॉल देम स्पेशलिटी केमिकल्स, ठीक है. और तीसरा हमारे पास जो है, दैट इज द फाइन केमिकल्स. सवाल ये आता है कि ये तकरीबन कितने परसेंट ये क्रिएट किया जाता है. कहा जाता है कि तकरीबन जो कमोडिटी केमिकल्स है ये 18% प्रोड्यूस किया जाता है, स्पेशलिटी केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 18% एंड द फाइन केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 2% स्टूडेंट्स. यानी ओवरऑल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, जो कमोडिटी केमिकल्स ज़्यादातर प्रोड्यूस होते हैं और उनकी मैदान तकरीबन कितनी है? 80%. और स्पेशल केमिकल्स 18% है, और फाइन केमिकल्स जो है वो हमारे पास कितने हैं? 2% प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स. एनी हाउ, अब हम आज का बुनियादी टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमने डिस्कस करना है, जिसके लिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है. एंड दैट वन इज स्टूडेंट्स, दैट वन इज एक्चुअली डाइस. आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो डाइस के बारे में है. डाइस किसे कहते हैं बच्चों? डाइस कहते हैं कि द सब्सटेंस विच adds value to the product to increase its cost is called as dyes. स्टूडेंट बात बिल्कुल सिंपल है कि वो चीज जो किसी चीज की कीमत बढ़ाने के लिए पैदा की जाए, प्रोड्यूस की जाए, इस्तेमाल की जाए, उस चीज़ को हम जनरली क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं. स्टूडेंट अगर आप एक बाज़ार से कार खरीदें, कार लें, या अगर बाज़ार में आप जाएं कार लेने, एक गाड़ी लेने, और उस गाड़ी पे अगर कोई पेंट ना हुआ हो, इफ़ देर इज़ नो पेंट ऑन दैट कार, तो क्या उस कार को आप उतनी मालियत में खरीदेंगे? आंसर है नो. अगर आप देखें, एक गाड़ी है जिस पे कोई पेंट नहीं है और दूसरी गाड़ी है जिस पे एक ब्यूटीफुल पेंट हुआ है, एक खूबसूरत पेंट हुआ है, तो याद रखें दैट विल बी इवन मोर अट्रैक्टिव. तो मोर अट्रैक्टिव अगर हो जाए तो स्टूडेंट उसकी कीमत भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. तो किसी चीज़ की कीमत बढ़ाने के लिए उस पर जो मटीरियल अप्लाई किया जाता है, उसको दरअसल एक्चुअली क्या नाम दिया जाता है? डाइस किया जाता है. मैं अपने स्टूडेंट को अक्सर औकात बात करता हूँ कि अगर आप ख़वातीन को देखें, अगर वो मेकअप ना करें और मेकअप करने के बाद देखें, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेकअप भी बेसिकली इज़ एन एग्जांपल ऑफ द डाई, जो शायद उनकी कीमत या उनकी वैल्यू बढ़ा देता है. एनी हाउ दैट वाज अ जोक. तो स्टूडेंट हमने कहा कि द सब्सटेंस विच एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट टू इंक्रीज इट्स कॉस्ट, सो दैट वन इज कॉल्ड एज डाई. उसे नाम दिया जाता है डाई, या सिंपल डाइस. वाज़ेह है स्टूडेंट्स, डाइस के अगर आप देखें तो देर आर टू पोर्शन. डाइस हैज टू पोर्शंस. एक को नाम दिया जाता है, द वन इज कॉल्ड एज क्रोमोजन एंड द अनदर वन इज कॉल्ड एज ऑक्सोक्रोम. पॉइंट टू बी नोटेड.
किसी भी डाई के दो पोर्शन होते हैं, एक क्रोमोजेन और दूसरा ऑक्सोक्रोम। अगर मैं आपको ड्रॉ कर दूं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डाई है, मैंने आपको एग्जांपल के लिए ड्रॉ किया है, इसमें ये पोर्शन। अच्छा, एनी हाउ, व्हाट इज क्रोमोजेन एंड व्हाट इज ऑक्सोक्रोम, फिर मैं आपको इसे बताता हूँ। क्रोमोजेन कहा जाता है कि द पोर्शन ऑफ अ डाई, पोर्शन ऑफ अ डाई विच इज responsible for its color, that one is called as chromogen. Dye में जिस portion की वजह से वो colored होता है उसको हम chromogen कहते हैं, बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि this is the color producing structure. The color producing structure of a dye is called as chromogen students. और जहां तक ताल्लुक है ऑक्सोक्रोम का, तो कहा जाता है कि the portion responsible for fixing of dye on fabric. कपड़ों पे जब dye अटैच होता है, लगता है, जो जिस पोर्शन की वजह से वो अटैच होता है उसको हम नाम बोलते हैं ऑक्सोक्रोम स्टूडेंट्स। इस मींस डाई हैज टू पोर्शन, क्रोमोजेन एंड ऑक्सोक्रोम। दिस इज कलर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सॉलिबिलिटी एंड फॉर इट्स अट्रैक्शन टू द फैब्रिक स्टूडेंट्स। कहा जाता है कि क्रोमोजेन जनरली, एक बात सुनिए जी, कहा जाता है कि जो क्रोमोजेन है दे पोसेस, क्रोमोजेन पोसेस द क्रोमोफोर्स। क्रोमोजेन में एक्चुअली क्या चीज होता है, क्रोमोफोर, एंड दिस क्रोमोफोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। अगर क्रोमोजेन में से भी क्रोमोफोर को निकाल दिया जाए तो याद रखें वो अपना कलर क्या कर लेगा, लॉस कर लेगा। और कहा जाता है क्रोमोजेन ज्यादातर जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, दीज आर जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट, किसी एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब क्रोमोफोर अटैच हो जाता है तो वो मिलके आपको क्या चीज़ देंगे, क्रोमोजेन कहेंगे। और क्रोमोजेन में एक्चुअली क्या चीज़ मौजूद होता है, क्रोमोफोर स्टूडेंट्स। इफ आई मूव ऑनवर्ड्स कि क्रोमोफोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स लुक एट हेयर सम इम्पॉर्टेंट क्रोमो फोर्स। लुक एट हेयर, कुछ इंपॉर्टेंट क्रोमोफोर्स हैं। इनमें से हमारे पास एक क्रोमोफोर है जिसे नाम दिया जाता है नाइट्रो ग्रुप, यानी NO2 ग्रुप। दूसरा हमारे पास है, दैट वन इज कॉल्ड एज नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रोसो कहते हैं जिसमें NO ग्रुप हो। तीसरा हमारे पास है जिसे कहते हैं एजो ग्रुप। एजो ग्रुप वो होता है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में डबल बॉन्ड हो, ऐसे ग्रुप को हम एजो ग्रुप कहते हैं। याद रखें किसी कंपाउंड में अगर ये पोर्शन आ जाए तो इनकी वजह से वो कलर्ड होता है, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज क्रोमोफोर। इसके अलावा इन अदर क्रोमोफोर जो कॉमन है, दे आर इथाइलिन ग्रुप, यानी CH डबल बॉन्ड CH स्टूडेंट्स। सो दिस इथाइलिन ग्रुप इज ऑल्सो एक्ट एज अ क्रोमोफोर। एंड पांचवा हमारे पास अगर जाए तो दैट वन इज द कार्बोनाइल ग्रुप, यानी C डबल बॉन्ड O, दैट इज ऑल्सो एक्ट एज अ क्रोमोफोर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर हम छठी एग्जाम्पल की तरफ जाएं, इफ आई मूव ऑनवर्ड टुवर्ड्स द सिक्स्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो सिक्स्थ एग्जाम्पल है दैट वन इज द कार्बन नाइट्रोजन ग्रुप, कार्बन नाइट्रोजन ग्रुप। इसमें कार्बन नाइट्रोजन ग्रुप में जो कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड भी हो सकता है और डबल बॉन्डेड भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर आप देख लें। इसके बाद जो सातवां क्रोमोफोर जो पॉसिबल है, दैट वन इज द कार्बन सल्फर ग्रुप, कार्बन सल्फर ग्रुप, यानी आप इसमें CH3SH, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें इस ग्रुप को नाम दिया जाता है थायोल, शायद आपको पढ़ा होगा, दैट इज ऑल्सो एक्ट एज अ यू कैन से दैट क्रोमोफोर्स। तकरीबन कुल मिला के कितने क्रोमोफोर्स हैं, 7 क्रोमोफोर्स हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ। दूसरा पोर्शन आपने कहा कि ऑक्सोक्रोम, जी सर दोबारा बोले, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि ऑक्सोक्रोम क्या होता है। जो जो वीडियोज देख रहे हैं
जब मैं आपसे पूछूं तो आप बोले करें, पार्टिसिपेट करें। बेशक आप यहाँ पे मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन समझें कि मैं आपके सामने हूँ। अक्ज़ुक्रुम, द पोर्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सिंग ऑफ डाई ऑन फैब्रिक। तो स्टूडेंट्स, वाज़ेह है कि ये हमारे पास किसी डाई को किसी कपड़े के साथ या फैब्रिक के साथ अटैच करने के लिए पोर्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तो उस पोर्शन ऑफ डाई को हम क्या कहते हैं? अक्ज़ुक्रुम। मैं भी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, दिस वन इज़ द फैब्रिक, ये आपके पास फैब्रिक है, और ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक डाई है। तो स्टूडेंट, ये डाई का ये पोर्शन को मैं नाम देता हूँ कि दैट इज़ अक्ज़ो, एंड ये पोर्शन को मैं नाम देता हूँ दैट वन इज़ द क्रोमोजन। तो स्टूडेंट, जब ये आता है तो स्टूडेंट ये फैब्रिक अभी कलरलेस है, द फैब्रिक इज कलरलेस, लेकिन जब ये डाई इसके साथ अटैच हो जाता है ऐसे, तो स्टूडेंट अब देखो इस पोर्शन की वजह से ये हमारे पास क्या नज़र आना शुरू हो जाता है? कलर्ड। तो स्टूडेंट, इस पोर्शन की वजह से ये इस फैब्रिक के साथ क्या हुआ? अटैच्ड हुआ। तो स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड एज अक्ज़ुक्रोम, एंड दिस पोर्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर, सो दैट वन इज कॉल्ड एज क्रोमोजन। स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई मूव ऑनवर्ड, द अक्ज़ुक्रोम, अगर आप देखें तो अक्ज़ुक्रोम भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। दिस इज अ पेज नंबर 7। तो स्टूडेंट, द टाइप्स ऑफ अक्ज़ुक्रोम, द टाइप्स ऑफ अक्ज़ुक्रोम स्टूडेंट्स, सो वन इज एसिडिक अक्ज़ुक्रोम एंड द अनदर वन इज द बेसिक अक्ज़ुक्रोम। यानी आप कह सकते हैं एसिडिक अक्ज़ुक्रोम और बेसिक अक्ज़ुक्रोम, कि ये अक्ज़ुक्रोम के दो टाइप्स हैं। एसिडिक अक्ज़ुक्रोम में स्टूडेंट, इसमें वो यानी OH ग्रुप हो जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, यानी जिसमें हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप आ जाए, तो स्टूडेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यू कैन से दैट द फिक्सिंग ऑफ डाई। एंड अगर आप देखें तो इनका नेचर एसिडिक है, इसी बुनियाद पर इनको नाम देते हैं एसिडिक अक्ज़ुक्रोम। बेसिक अक्ज़ुक्रोम में हमारे पास अमीन ग्रुप है यानी अमाइनो ग्रुप है, और दूसरा नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप लगा दो। शायद तुमने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो ग्रुप होते हैं इनका नेचर क्या होता है? बेसिक ग्रुप। NH2 आपको कहीं भी किसी कंपाउंड में नजर आ जाए तो समझ जाना कि बेसिक है, और किसी कंपाउंड में अगर आपको OH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और SO3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, अगर ये नजर आ जाए तो समझ जाना कि वो आपके पास क्या होंगे? ज्यादातर एसिडिक होंगे स्टूडेंट्स, सो दैट वन विल बी एसिडिक अक्ज़ुक्रोम। आपकी बुक पे एक सेंटेंस लिखा है कि एसिडिक अक्ज़ुक्रोम आर सॉल्युबल इन बेस एंड बेसिक अक्ज़ुक्रोम आर सॉल्युबल इन एसिड। पॉइंट टू बी नोटेड, समझ आ गया? ठीक है, जरा बोले डाई क्या होता है? कि द सब्सटेंस विच एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट फॉर इट्स कॉस्ट। डाइस के कितने पोर्शन होते हैं? दो, एक को क्रोमोजन, दूसरा को अक्ज़ुक्रोम। क्रोमोजन में फर्दर एक स्ट्रक्चर होता है, उसे नाम दिया जाता है क्रोमोफोर्स, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। क्वार्टर स्टूडेंट, क्रोमोफोर्स तकरीबन मैंने आपको डिस्कस किए, 7 क्रोमोफोर्स हैं हमारे पास जो आपकी बुक में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप अक्ज़ुक्रोम देखें तो दो टाइप्स के हैं, एक एसिडिक और दूसरा क्या है? बेसिक। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने अनदर टाइप उसकी तरफ। दैट वन इज द क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। अच्छा, अब बड़ी मजे की बात शुरू होने वाली है। याद रखे, डाइस की क्लासिफिकेशन यू कैन डू टू बेसिस। हम दो बेसिस से डाइस को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास है द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और जो दूसरा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन। द डाइज में भी क्लासिफाई ऑन टू बेसिस, एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, इफ आई मूव ऑनवर्ड, सबसे पहले देखें, अच्छा एक बात बताऊं, आपकी बुक में इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया गया। जब आप इसको डिस्कस कर लेंगे तो फिर आपकी बुक की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि आपको समझ आता है या नहीं आता। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर।
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास जो सबसे पहला जो डाई है उसे नाम दिया जाता है नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाई। अगर आप समझदार हैं तो शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं। नाइट्रो नाइट्रोसो का नाम अभी हमने कहीं डिस्कस किया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्रोमोफोर में पढ़ा है। तो स्टूडेंट वो डाई विच या द डाई इन विच द क्रोमोफोर इज आइदर नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रोसो ग्रुप। सो दैट डाई विल बी कॉल्ड एज नाइट्रो नाइट्रोसो डाई। वो डाई जिसमें क्रोमोफोर तुम्हारे पास या तो नाइट्रो ग्रुप हो या तो नाइट्रोसो ग्रुप हो, उस डाई को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रो नाइट्रोसो डाई। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल स्टूडेंट्स, दिस इज अ पेज नंबर 8। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इसमें अगर आप एग्जांपल देखें तो मेरे पास एक डाई है जिसका नाम है मॉडर्नट ग्रीन। मॉडर्नट ग्रीन को देखें, आपने दो बेंजीन रिंग की ड्रॉ कर लेनी है, यानी आपने नेफ्थलीन ड्रॉ कर लेना है, ये लो, और यहाँ पे आपने OH ग्रुप लगा देना है और यहाँ पे आपने NO ग्रुप लगा देना है। ये एक डाई है जिसका नाम है मॉडर्नट ग्रीन। अगर आप इस डाई पे देखें तो स्टूडेंट इसमें ये पोर्शन OH ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, तो आपको शायद अंदाज़ा हो कि ये ऑक्सोक्रोम है, और इसमें आपको नाइट्रोसो ग्रुप नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है? क्रोमोफोर है। तो स्टूडेंट इसमें क्रोमोफोर चूंकि नाइट्रोसो ग्रुप है तो इस डाई को नाम दिया जाएगा नाइट्रोसो डाई। क्या नाम दिया जाएगा? नाइट्रोसो डाई। और इसका असल नाम क्या है? मॉडर्न ग्रीन। यानी ये कौन सी कैटेगरी ऑफ डाई में आएगा? नाइट्रोसो डाई में, बिकॉज इसमें क्रोमोफोर जो है वो नाइट्रोसो ग्रुप है। इसके बाद अगर हम दूसरा टाइप्स की तरफ चलें, इफ यू मूव ऑनवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड टाइप, सो दैट वन इज द एजो डाई। कुछ आइडिया आपको हो रहा है? जी जरा सोचें। एजो डाई, तो एजो डाई बेसिकली कहते हैं कि द डाई इन विच द क्रोमोफोर इज एजो ग्रुप, जिसमें क्रोमोफोर जो हो वो एजो ग्रुप हो। अब आप जानते हैं एजो ग्रुप किसे कहते हैं? एजो ग्रुप उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाए। सो दैट वन इज एजो ग्रुप। तो स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो उस डाई में आपको क्रोमोफोर जो नजर आएगा वो दरअसल कौन सा नजर आएगा? दैट वन इज एजो ग्रुप। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ये नाम आपने इसको सुना होगा साइड स्टूडेंट्स, एंड दैट वन इज एक्चुअली मिथाइल ऑरेंज। हाँ जी, क्या इसका नाम आपने सुना है? हाँ, यस, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक्चुअली क्या है? इंडिकेटर है। और कहाँ पे इस्तेमाल होता है? टाइट्रेशन में। तुमने फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट किया होगा, कलर आ गया, कलर गायब हो गया, ये वही वाला है स्टूडेंट्स। अगर मिथाइल ऑरेंज को अगर मैं आपको ड्रॉ करके दूँ, मिथाइल ऑरेंज को, तो ज़रा देखें, सबसे पहले आपने एक काम करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग को ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने नाइट्रोजन लगाना है और नाइट्रोजन के साथ आपने दो मिथाइल ग्रुप लगा देना है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे आपने एजो ग्रुप लगाना है, ये लो एजो ग्रुप लगा दिया। फिर दोबारा यहाँ पे आपने बेंजीन रिंग लगाना है और बेंजीन रिंग लगाने के बाद यहाँ पे आपने सल्फोनिक ग्रुप लगा देना है, SO3H ग्रुप स्टूडेंट्स। तो अब अगर आप देखें इस वाले डाई को, अगर आप देखें ये एग्जाम्पल है बेसिकली कौन से डाई की, इसका नाम क्या है? मिथाइल ऑरेंज। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा एजो ग्रुप, दैट डाई विल बी कॉल्ड एज एजो डाई। इसको नाम दिया जाता है एजो डाई स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इसमें जो क्रोमोफोर है वो कौन सा ग्रुप है? एजो ग्रुप है। स्टूडेंट एक बात याद रखें कि जब आप मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करेंगे तो याद रखें मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में इसका जो कलर होगा वो रेड कलर होगा, और स्टूडेंट बेसिक मीडियम में अगर आप इसको देखें सो दैट विल बी येलो कलर स्टूडेंट्स।
ये बात तुमने याद रखनी है, तुमसे एग्जामिनर या तो प्रैक्टिकल में या तो किसी चीज़ में आपसे पूछ सकता है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में क्या होगा। अगर मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, तो एसिडिक में ये रेड होगा और बेसिक में ये क्या कलर होगा, येलो कलर होगा। और आपका स्ट्रक्चर मैंने इसका ड्रा कर लिया, और इसमें जो क्रोमोफोर है वो असल में कौन सा ग्रुप है, एसो ग्रुप है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, एसो डाई इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ डाई, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ डाई, पॉइंट टू बी नोटेड। इसमें एक और डाई है, उसका नाम है बिस्मार्क ब्राउन। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर टू की बात करूं, इस एग्जाम्पल नंबर टू, दैट वन इज द बिस्मार्क ब्राउन। बिस्मार्क ब्राउन इज अ शू पॉलिश, ब्राउन कलर की शू पॉलिश जो है, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एसो डाई स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम आगे चलें स्टूडेंट, तीसरा हमारे पास जो डाई है, द थर्ड टाइप ऑफ डाई, पेज नंबर 9 हो गया, द थर्ड टाइप ऑफ डाई इज द ट्राई एराइल मीथेन डाई, ट्राई एराइल मीथेन डाई, पॉइंट टू बी नोटेड, ट्राई एराइल मीथेन डाई। जी, नाम जो कुछ पता लग रहा है आप लोगों को, जी ट्राई का मतलब क्या होता है, फ्री, एराइल का मतलब क्या है, एरोमेटिक। तो स्टूडेंट, द डाई इन विच, द डाई इन विच वन कार्बन इज अटैच्ड विद थ्री एरोमेटिक रिंग, सो दैट डाई विल बी कॉल्ड एज ट्राई एराइल मीथेन डाई। वो डाई जिसमें वन कार्बन इज अटैच विद थ्री एरोमेटिक रिंग, ये देखो ये एक कार्बन है, आपने एक एरोमेटिक रिंग ग्रुप के साथ अटैच किया, आपने दूसरा एरोमेटिक ग्रुप के साथ अटैच किया, आपने तीसरा एरोमेटिक ग्रुप के साथ इसको अटैच किया। तो स्टूडेंट, दैट डाई इज कॉल्ड एज ट्राई एराइल मीथेन डाई स्टूडेंट्स। तीन एरोमेटिक रिंग हो गई विच इज अटैच विद द कार्बन, लेकिन एक बात याद रखें, इन विच वन रिंग इज क्यूनाइड, ये एक जुमला आप देखोगे, इसका मतलब आपको समझाता हूं। यहां पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है क्यूनाइड या क्यूनोन, क्यूनाइड या क्यूनोन किसे कहते हैं, क्यूनोन कहते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड पोजेस टू कार्बोनाइल ग्रुप, वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास टू कार्बोनाइल ग्रुप हो। ये देखो ये साइक्लिक कंपाउंड ले लो और इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप, इसे क्यूनोन का नाम दिया जाता है। तो इसमें अगर इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो, तो ये बिल्कुल क्यूनोन की तरह है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, कहा जाता है कि द डाई इन विच वन कार्बन इज अटैच विद थ्री एरोमेटिक रिंग एंड वन रिंग इज क्यूनाइड, तीन एरोमेटिक है लेकिन एक बीच में क्या हो, क्यूनाइड हो, बिल्कुल इसमें या तो दो कार्बोनाइल ग्रुप हो या तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह का हो, सो दैट वन विल बी कॉल्ड एज ट्राई एराइल मीथेन डाई स्टूडेंट्स। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसकी एग्जाम्पल है फेनाफ्थलीन, पॉइंट टू बी नोटेड, फिनाफ्थलीन स्टूडेंट्स। फिनाफ्थलीन का अगर स्ट्रक्चर आप देखें, मैं फिनाफ्थलीन का स्ट्रक्चर अगर ड्रा करूं, तो फिनाफ्थलीन का स्ट्रक्चर आप गौर से देखें तो फिनाफ्थलीन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा। यहां पे देखें, आपने एक कार्बन लेना है और एक कार्बन के साथ आपने एरोमेटिक रिंग अटैच कर देनी है, ये मैंने एरोमेटिक रिंग इसके साथ अटैच कर दी, और इस एरोमेटिक रिंग के साथ यहाँ पे हमारे पास अटैच्ड है ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज है। फिर यहाँ पे आपने दूसरी एरोमेटिक रिंग अटैच करनी है, और इस दूसरी एरोमेटिक रिंग को अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स, दूसरी एरोमेटिक रिंग ये आपने अटैच कर ली, और इस दूसरी एरोमेटिक रिंग में इस साइट में आपके पास CO2 है, और फिर यहाँ पे आपने क्यूनाइड ग्रुप लगा देना है, यानी आपने ये 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 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
यह स्ट्रक्चर है फिनाफ्थलीन का। और फिनाफ्थलीन का याद रखें कि अगर आप फिनाफ्थलीन को एसिडिक में डालेंगे तो ये एसिड में डालेंगे तो ये कलरलेस होगा, और अगर आप इसे बेस में डालेंगे तो ये बेस में हमारे पास बेसिकली रेड कलर का हो जाएगा, रेड या पिंक कलर आप इसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स। एनी हाउ फिनाफ्थलीन एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्राईएराइल मीथेन डाई। इसके बाद हमारे पास जो चौथा डाई है, इफ आई मूव ऑनवर्ड टूवर्ड्स द पेज नंबर 10 एंड टूवर्ड्स द फोर्थ डाई, तो फोर्थ डाई इज कॉल्ड एज एंथ्राक्विनोन डाई। व्हाट इज एंथ्राक्विनोन डाई? एंथ्राक्विनोन डाई उसे कहते हैं कि द डाई विच कंटेन पैरा क्विनाइड ग्रुप, वो डाई जिसमें पैराक्विनाइड ग्रुप हो। पैराक्विनाइड अभी जिक्र किया था, क्विनोन क्विनाइड का जिक्र किया था, ये आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो दिस वन इज कॉल्ड एज एंथ्राक्विनोन डाई। और एंथ्राक्विनोन डाई की एग्जांपल अगर आप देखें सो दैट वन इज एक्चुअली एलेजरिन। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये देखें जी, ये आपके पास बेंजीन रिंग आपने ड्रॉ कर ली, फिर बेंजीन रिंग ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे क्विनाइड ग्रुप ड्रॉ करना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे आपने दोबारा एक बेंजीन रिंग ड्रॉ कर देनी है स्टूडेंट्स। और फिर ये ड्रॉ करने के बाद इसमें एक ऑक्सोक्रोम लगा दें, येलो OH, नाउ दिस वन इज द एलिजरिन स्टूडेंट्स। सो दिस इज यू कैन से दैट एंथ्राक्विनोन डाई। पांचवा डाई हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, तो दैट वन इज कॉल्ड एज इंडिगो डाई। इंडिगो डाई वो होता है जिसमें क्रोमोफोर जो है, तो क्रोमोफोर इज बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप इज द क्रोमोफोर, सो दैट डाई विल बी कॉल्ड एज इंडिगो डाई स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम, अगर मैं आपसे पूछूं तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने डाइस को क्लासिफाई किया तकरीबन 5 टाइप्स में। अगर आप इसे रिपीट करें तो पहला डाई हम उसे कहते हैं नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाई, दूसरा हम कहते हैं एजो डाई, तीसरा हम कहते हैं ट्राईएराइल मीथेन डाई, The third one is triaryl methane dye, and students, चौथा हमारे पास अगर आप बोलें तो fourth one हमने discuss किया anthraquinone dye, and पांचवा हमने discuss किया and that one is the indigo dye। और ये जो classification है ये 4-5 ये हमारे पास किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इफ आई मूव ऑनवर्ड, अगर मैं आगे जाऊं फर्दर इसको डिस्कस करूं तो हमारे पास वी हैव फर्दर क्लासिफिकेशन एंड दैट इज कैटेगरी बी, एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन, यू कैन से दैट क्लासिफिकेशन on the basis of method of application। तो on the basis of method of application यानी जिस तरीके के मुताबिक आप उसे डाई को classify करेंगे, जिस तरीके से उसे apply करेंगे, तो हमारे पास पहला जो डाई है उसे नाम दिया जाता है direct डाई। वो डाई डायरेक्ट डाई कैसे है? डायरेक्ट डाई ये है कि आपने स्टूडेंट फैब्रिक को डिप करना है ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें ऑलरेडी क्या मौजूद हो, डाई। फिर डिप करने के बाद आप उसे सुखा लें
उसे ड्राई कर लें तो डायरेक्ट उस पर अटैच हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने लिया फैब्रिक और प्लस आपने लिया डाई, डायरेक्ट मिक्स किया, तो हमारे पास वो डाई, वो फैब्रिक हमारे पास क्या हो गया, कलर्ड हो गया। तो दैट डाई विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट डाई। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मतलब आपने पानी लिया उसमें कलर डाला। अक्सर आपने दुपट्टा रंग करने वालों को देखा होगा, वो पानी लेते हैं उसमें रंग डाल देते हैं, फिर रंग डालने के बाद उसमें दुपट्टा के उसमें भी भिगो देते हैं। मतलब अगर इसके अलावा अगर आप नील ले लें, नील, नील को पानी में डालें, नील खोटोल पेज रहेगा ना, नील को पानी में डालें, डिजॉल्व कर लें, उसमें कपड़े डालें, निकालें, डायरेक्ट के साथ अटैच हो जाएगा। सो दैट डाई विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट डाई, उसे हम नाम दे सकते हैं डायरेक्ट डाई। दूसरा हमारे पास जो डाई है, द सेकेंड डाई स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में है। एंड दैट डाई, दिस इज यू कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज वेट डाई। अच्छा, इसके बारे में बड़ी मजे की बात है। वेट डाई, वेट डाई इज इनसॉल्युबल डाई, ये एक इनसॉल्युबल डाई है। इसे डाई को सबसे पहले, डाई इज फर्स्ट रिड्यूस्ड किस चीज से, सोडियम बाइसल्फाइड से, NaHSO3। तो पहले इसे रिड्यूस किया जाता है, तो रिड्यूस करने से पहले ये इनसॉल्युबल था, लेकिन रिड्यूस करने के बाद ये डाई वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्युबल। फिर इसमें हम एक्चुअली क्या डालते हैं, फैब्रिक डालते हैं, फैब्रिक पे डाई अटैच हो जाता है। अब इस फैब्रिक को हम ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, और ऑक्सीडाइज करने से दोबारा, अच्छा एक बात सुने, हमने पहले इसे क्या किया, रिड्यूस्ड किया, मतलब मैंने लिया डाई, उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला, सोडियम बाइसल्फाइड, सॉल्युबल तो हो गया वाटर ये, लेकिन ये हमारे पास कलरलेस हो गया, एनी वाटर सॉल्युबल हो गया। अब मैंने उसमें फैब्रिक डाला, भिगो दिया, लेकिन अभी हमें नजर नहीं आएगा कलर। अब हम उसे रखेंगे, उसे ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज का मतलब यह है कि उसे एयर में रख लें, तो एयर में रखने से वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। यानी आपने पहले आपने रिडक्शन की थी, अब उसका रिवर्स कर रहे हो, तो क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। ऐसे डाई को हम कहते हैं वेट डाई। वेट कहते हैं एक बड़े बड़े कंटेनर जिसमें हमें ये किया जाता है, बड़े बड़े कंटेनर, द वेट बेसिकली कंटेनर, लार्ज कंटेनर इन विच द डाइज आर प्रोड्यूस्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज वेट डाई। तो यानी आपको मैं दोबारा कहता हूँ कि पहले उसे क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। क्यों किया जाता है, बिकॉज दे आर वाटर इनसॉल्युबल। पहले उसे सॉल्युबल बनाया जाता है, फिर सॉल्युबल करके वो तो कलरलेस हो जाता है, फिर उसे कपड़ों पे अटैच किया जाता है, फिर दोबारा उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो दैट डाई इज कॉल्ड एज वेट डाई स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम थर्ड टाइप ऑफ डाई जाए, दैट इज मेथड ऑफ एप्लीकेशन पे, दैट इज मॉडर्न डाई। अच्छा, मॉडर्न डाई कहा जाता है कि मॉडर्न डाई उसे कहते हैं कि द डाई विच हैज नो एफिनिटी विथ फैब्रिक्स, मतलब इनकी कपड़ों के साथ नहीं लगती। तो हम इसको कपड़ों के साथ अटैच करने के लिए दरमियान में एक इंटरमीडिएट इस्तेमाल करते हैं, इंटरमीडिएट, एंड दैट इंटरमीडिएट इज एक्चुअली कॉल्ड एज मॉडर्न। सो दैट डाई इज कॉल्ड एज मॉडर्न डाई। मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल यहां देखें, ये आपके पास फैब्रिक है, दिस इज द फैब्रिक, एंड दिस वन इज द डाई। अब इन दोनों की आपस में नहीं लगती, हम दरमियान में एक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और वो मटेरियल एक तरफ से इसको अटैच कर लेगा, एक तरफ से इसको अटैच कर लेगा, दैट मटेरियल इज एक्चुअली कॉल्ड एज मॉडर्न। तो ऐसे डाई को हम नाम देंगे मॉडर्न डाई। ज्यादातर मॉडर्न कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होता है, दैट वन इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टूडेंट्स, मॉडिफाइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ मॉडर्न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न डाई स्टूडेंट्स। द फोर्थ डाई इज कॉल्ड एज इनग्रेन डाई। इनग्रेन डाई वो होता है कि द डाई विच इज प्रोड्यूस्ड बाय फैब्रिक इटसेल्फ।
जो कपड़े के अंदर ही हम चेंजेस करके उसमें बनाए, यानी एक कलरलेस कपड़ा लिया, उसके कुछ केमिकल्स के साथ ट्रीट किया, तो उसके साथ कुछ रिएक्शंस किया, रिएक्शन करने से हमारे पास उस कलर कपड़े के अंदर ही है कोई कलरफुल मटेरियल बना दें, एंड दैट डाई विल बी कॉल्ड एज इनग्रेन डाई, द डाई विच इज प्रोड्यूस बाय फैब्रिक इटसेल्फ. स्टूडेंट्स, द फिफ्थ एंड द लास्ट वन स्टूडेंट्स, दैट वन इज द डिस्पर्स्ड डाई. डिस्पर्स या डिस्पर्स फेस या डिस्पर्शन का मीडियम का आपने नाम सुना होगा, कोलाइडल सोल्यूशन का. तो यानी आप कह सकते हैं कि द डाई विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग अ कोलाइडल सोल्यूशन, जब आप कोलाइडल सोल्यूशन बना के फिर अप्लाई करें, सो दैट डाई विल बी कॉल्ड एज डिस्पर्स डाई. स्टूडेंट, ये क्लासिफिकेशन हो गई, हमने जो क्लासिफिकेशन की दैट वाज द ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ एप्लीकेशन. मेथड ऑफ एप्लीकेशन आपको बता दूं कितने टाइप ऑफ डाई हो गए स्टूडेंट, 5. डायरेक्ट डाई, वेट मतलब आप किसी उसमें प्रोड्यूस करेंगे, फिर मॉडर्न डाई, और फिर हमारे पास इनग्रेन डाई, एंड द फिफ्थ वन इज द डिस्पर्स डाई. स्टूडेंट्स, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द डाई. स्टूडेंट्स, ठीक हो गया. स्टूडेंट, जब आप अपनी किताब में उठा के देखेंगे, अब मैंने आपको क्लासिफिकेशन जो कराई है, अब आपकी किताब उठा के देखते हैं, उसमें देखते हैं कि ये क्या चीज़ कैसे लिखी हुई है. तो सर, आपकी किताब में एक चीज़ बताता चलूँ, पेशावर बोर्ड की किताब में इन दोनों क्लासिफिकेशन को मिक्स करके लिखा गया है. तो आपको उस, अगर मैं आपको इस तरीके से ना पढ़ाता तो आपको नहीं समझ आती. अब अगर आपकी बुक की तरफ चलते हैं, मैं आपकी बुक उठा के ला के देखूँ. तो स्टूडेंट, लुक एट योर बुक स्टूडेंट्स. तो अगर आप अपनी किताब की तरफ जाएं, जी यहाँ देखिए, मैं इस बुक को अगर ओपन करूं, जी जरा आपको नजर आ रहा है, तो सबसे पहले यहां देखें, तो यहां पे आपके पास लिखा हुआ है द क्लासिफिकेशन ऑफ द डाई. स्टूडेंट्स, ठीक है, सबसे पहले एसिड डाई. अच्छा, एसिड डाई वो डाई जिसमें ऑक्सोक्रोम एसिड हो, बेसिक डाई वो डाई जिसमें ऑक्सोक्रोम बेस हो, द अनदर वन एजो डाई आज हमने पढ़ा, द अनदर वन डायरेक्ट डाई. अब इन दोनों में फर्क देखें, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन है, जो अभी मैं डिस्कस किया, लेकिन आपकी बुक में इसको मिक्स किया गया है. डिस्पर्स डाई कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं. फाइबर रिएक्टिव डाई, इट्स अ काइंड ऑफ, अभी हमने जो डिस्कस किया दैट इज इनग्रेन डाई. मॉडर्न डाई, सल्फर डाई जिसमें क्रोमोफोर सल्फर हो, इसमें पढ़ें, दीज डाइज हैव बीन यूज फॉर सो लॉन्ग टाइम एंड दे आर लार्ज एंड लो कॉस्टिंग डाई एंड दे आर प्रोड्यूस फुल शेड्स इन कॉटन्स. सॉरी, आपको ये यहाँ पे मैं एक मिनट दिखा देता हूँ, ये देखें जी, ये हैला है, इस पेज को अगर आप देखें तो शायद आपको समझ आ जाए जी. डिस्पर्स डाई देखें जी, फाइबर रिएक्टिव डाई, मॉडर्न डाई एंड सल्फर डाई, ठीक है, एंड सॉल्वेंट डाई. सॉल्वेंट डाई इज समटाइम कॉल्ड ए स्पिरिट सॉल्युबल डाई एंड दे आर यूजुअली एजो डाई और ट्राई एराइल मीथेन डाई और एंथ्रेक्यूनोन डाई. देखें जी, सॉल्वेंट डाई में कितनी चीज़ों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, 3 चीज़ों का. दे आर यूज फॉर द कलर ऑफ द ऑयल एंड वैक्सेस वगैरह वगैरह. सो दीज आर बेसिकली ऑल अबाउट द डाई स्टूडेंट्स. तो हमने ये तमाम जो डिस्कस किया डाइज के बारे में डिस्कस किया. अच्छा, इसमें एक चीज़ आप याद रखें, ये इसका ज़्यादा से निकल गया, एक नाम याद रखेगा मेटानिल का. मेटानिल इज अ एसिड डाई. दूसरा आपने याद रखना है बिस्मार्क ब्राउन. बिस्मार्क ब्राउन इज अ बेसिक डाई, ठीक है, और इसे मॉव एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है. मॉव मैं बताता हूँ कि वो मॉव हमारे पास कहाँ पे, MUA, ये जी देखें मॉव, ये लफ्ज याद रखना. सिंथेटिकली वाज द बेसिक डाई. द बेसिक डाई वर फर्स्ट डाई क्लास मेड सिंथेटिकली. मॉव, ये लफ्ज बिस्मार्क ब्राउन और मेटल, ये आपने याद रखना कि इनके बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स. तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, कीप इन योर माइंड जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया स्टूडेंट्स. ठीक हो गया जी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी अपलोड होगा. नेक्स्ट लेक्चर इंसेक्टिसाइड्स के बारे में होगा, और इसके अलावा एडहेसिव्स के बारे में होगा, ये चीज़ डिस्कस करेंगे जी. थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ जी. वकार बेग को इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.